नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार इन शॉर्ट्स को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप को लूटने की साजिश नाकाम कर दी है। समस्तीपुर में एक बड़ी ज्वेलरी शॉप को लूटने की अपराधियों ने योजना बनाई थी, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है और मौके से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। पूरे मामले को लेकर SSP जयंत कांत क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुनिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। DSP ईस्ट मनोज कुमार को सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में SHO मुशहरी, DSP ईस्ट और CI सकरा की टीम ने के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने मौकाए वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 2 पिस्टल के साथ में 3 हथियार बरामद किए गए और अन्य बाकी गोलियां, 10 राउंड गोलियां और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुशहरी थाना क्षेत्र में, समस्तीपुर में और मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में इनकी लूट की योजना की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया है। इसमें से पकड़े गए सभी व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इसमें इनका जो मुख्य सरगना है मुन्ना, जो कि पहले 3 बार जेल जा चुका है, इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी जो है 2 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। इस प्रकार लगभग 8 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। ये अंतर जिला गिरोह है या लोकल है सर? ये अंतर जिला गिरोह है। जिस तरीके से इन लोगों से पूछताछ की है, ये पकड़े जाने के अगले दिन समस्तीपुर क्षेत्र में इनके लूट की योजना थी और उसके बाद में इनका गायघाट मुजफ्फरपुर में लूट की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह इन लोगों का आपराधिक मामला को? अब तक के जो इसमें जो लोग हैं, इसका जो मुख्य सरगना है, वो पहले 3 बार जेल जा चुका है और इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग हैं वो भी 1 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। गैंग उंग भी चलता है क्या इनका? ये टोटल अभी तक इसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ अन्य लोग फरार हैं। ये लोग मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, अय्यापुर थाना क्षेत्र में या फिर उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर किराए पर मकान लेते थे और उसके बाद में लूट की योजनाओं को अंजाम देते थे। लोकल कनेक्शन वगैरह भी है क्या इनका सर? इसमें से जो कुछ लोग अय्यापुर के हैं, कुछ लोग मुशहरी के हैं। एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया, इसमें 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं वो समस्तीपुर थाना क्षेत्र के हैं। तो ये लोग यहाँ पर किराए पे मकान लेकर के लूट की योजनाओं को अंजाम देने का इनकी प्लानिंग थी। तो आपने सुना कि SSP जयंत कांत ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि ये अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं और समस्तीपुर में बड़ी लूट की योजना बनाई थी इन अपराधियों ने, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। वहीं ये अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। कई मामलों में कई अपराधी जेल जा चुके हैं। इन पर कई मामले दर्ज हैं। पहले भी लूट, हत्या और डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन अपराधियों को धर दबोचा गया है और मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बने रहिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।